नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंडियन नेवी ट्रेड्समैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो ये दोस्तों देखिए पार्ट वन रहने वाला है, जिसमें हम लोग कुछ बहुत ही विशेष क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन जो बनता है वो इस टाइप का है कि चमगादड़ जो होता है अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ जो होता है वो परास्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है जो मार्ग में अवरोध बनता है। मतलब उसी सिग्नल के द्वारा चमगादड़ जो होता है वो उड़ते उड़ते अपनी रास्ता पहचान जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, घट जाता है। अगला, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक क्या है, मिश्रण। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, मतलब एलॉय है, और जो वायु होता है विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है, इसलिए ये एक मिक्सचर हो गया, वायु एयर एक मिक्सचर हो जाएगा। अगला, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण का अध्ययन जो किया जाता है वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम लोग कहते हैं फ्लोरी कल्चर। अगला, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती, मतलब ए प्रोपोर्शनल टू एफ, मतलब त्वरण जो अनुक्रमानुपाती होता है वो बल के होता है, बिल्कुल। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है। तो अस्थायी कण तो दोस्तों एक ही होता है, वो होता है न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाया जाता है। एक तो देखिए प्रोटॉन पाया जाता है, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा जैसे कि दिया हुआ है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, आर्बोरी कल्चर। ओके, अगला, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है गाइस, व्यक्ति को दूर की वस्तुएं, जो ज्यादा दूर की वस्तुएं होती है वो धुंधली दिखाई देने लगती है, तो उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो इसमें जो लेंस प्रयोग किया जाता है चश्मे में, तो वो किया जाता है अवतल लेंस। ओके, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला बनता है क्वेश्चन हमारा, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल क्या होता है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है न्यूटन का, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। अगला है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो जल में तैरना न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण संभव है। ओके, अगला है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहना होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता है। तो यह कथन किसका है, तो यह हो जाएगा न्यूटन का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, न्यूक्लियन नाम सामान्यता किसके लिए है। तो न्यूक्लियन नाम जो है सामान्यता प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के लिए। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं ये नाभिक के कोष में पाए जाते हैं। ओके, अगला है पॉजिट्रॉन है एक। तो पॉजिट्रॉन एक क्या है, धनावेशित इलेक्ट्रॉन। अगला है, एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है। तो एग्रोफॉरेस्ट्री जो है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। ओके, अगला है, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो एक्सोबायोलॉजी में
किसका किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। अगला है मोनाजाइट किसका अयस्क है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। मोनाजाइट जो अयस्क है दोस्तों वो है थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। अगला है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो वो है एल्यूमिनियम का, AL। अगला क्वेश्चन बनता है 122वां, कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो कार्नेलाइट जो दोस्तों खनिज है वो मैग्नीशियम का है, जिसका सिंबल गाइस होता है Mg। ओके, अगला है गन मेटल किसका अयस्क है? तो गन मेटल जो अयस्क है वो हो जाएगा तांबा, टिन और जिंक का। अगला, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या होता है? तो लहसुन में जो सल्फर की गंध आती है वो, अरे सॉरी, अभिलाक्षणिक गंध आती है वो, उसमें क्या उपस्थित होता है? सल्फर यौगिक होता है जो कि S होता है, और इसी के कारण उससे बहुत ही अभिलाक्षणिक गंध आती है। अगला, जल में आसानी से घुलनशील है, तो जल में आसानी से क्या घुल जाता है? नाइट्रोजन, जिसका सिंबल हो जाएगा N। नेक्स्ट है हमारा भारी जल एक प्रकार का है, तो भारी जल क्या है? एक प्रकार का गाइस मंदक है। अगला है इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो इनमें से जो कोलाइड नहीं है वो हो जाएगा ब्लड, जिसको कहते हैं रक्त। अगला है पनीर निम्न का एक उदाहरण है, तो पनीर किसका उदाहरण हो जाएगा? वो हो जाएगा जेल का। नेक्स्ट बनता है हमारा माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण होता है। तो माचिस की जो एक तीली होती है उस पे जो मसाला लगा होता है उसमें किसका किसका मिश्रण होता है? लाल फास्फोरस और गंधक का, फास्फोरस पी और गंधक का, इसका जो टोटल मिक्सचर होता है वही माचिस की तीली के ऊपर लगा होता है। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो इसका गाइस आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है आयोडीन। आयोडीन का सिंबल क्या होता है? आई। अगला है निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो वो हो जाएगा सीसा। स्थायी तत्व सर्वाधिक कौन सा होता है? सीसा। अगला है निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का क्या होता है? सोडियम, जो कि होता है Na। अगला, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट में जो होती है वो आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस होती है। अगला, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो वो हो जाएगा चेचक। तो एक क्वेश्चन आता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और पूछे जाने की संभावना है। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो वो हो जाएगा हिरन। नेक्स्ट बनता है आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो हो जाएगा विद्युत। अगला है विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था हेनरी सीले ने। ओके, नेक्स्ट बनता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर कुकर के अंदर जो दाब होता है अधिक होता है। ओके, नेक्स्ट है दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। अगला है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का कौन सा लॉ है, नियम है? तो ये तीसरा नियम हो जाएगा। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में यस या नो का आंसर दे सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।